हरि ओम तत्सत। जीवन में हमेशा सत्य को सिद्ध करना पड़ता है, असत्य स्वयं सिद्ध है। यह मन और मस्तिष्क नकारात्मक विचारों से प्रवाहित होता है स्वयं ही। यदि आप सकारात्मक विचारों का चिंतन नहीं करेंगे तो नकारात्मक चीजें आने लगेंगी। दुनिया में यदि खूबसूरती आप नहीं देखेंगे तो बदसूरती तो देखते ही देखते हर चीज में एक बदसूरती आपको देखने मिल जाएगा। आप जीवन में यदि स्वस्थ होने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो अस्वस्थ स्वयं हो जाएंगे। हर अच्छे चीज के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। आप जीवन में भजन नहीं करेंगे तो भोजन के प्रति आसक्ति तो स्वयं ही बढ़ने लगेगी, और इस भोजन से न आज तक किसी का पेट भरा न भरेगा। जीवन में यदि उपासना के लिए प्रयास नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो वासना तो स्वयं आएंगी। ये वासना जो है तन के स्तर पर होता है, भावना मन के स्तर पर होता है, प्यार व्यवहार के स्तर पर होता है, और प्रेम तो ब्रह्मांड का सार है। तो यदि हम प्रेम नहीं करेंगे तो घृणा तो स्वयं आ जाएंगी। और कभी आप विचार किए, आप इन पत्थरों को देखते हैं, कण कण में शंकर को हम देखते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने तीन पेड़ पौधों में देवत्व को देखा, नदियों में माँ को देखा, जानवरों में जो है उन्होंने देवता स्वरूप किसी न किसी को देखा। और क्यों देखने की दृष्टि क्या है? क्योंकि उनकी दृष्टि सकारात्मक है। हम नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो नकारात्मक विचारों से भर जाएंगे, सकारात्मक विचारों से देखेंगे तो सकारात्मकता से भरेंगे। जैसे नजर वैसे नजारे। हम अपने नजरियों को सुधारेंगे तो हमारा जो है जीवन बदल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में अच्छे चीजों के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सकारात्मक विचारों को मन और मस्तिष्क में भरना होगा, तभी नकारात्मक विचारों से हम मुक्ति पाएंगे। नकारात्मक विचारों से यदि हम लड़ने लगेंगे तब हम नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे कि नदी का जल सूख जाएगा तब हम तैरना सीखेंगे, तो ना नदी का जल सूखेगा ना आप तैर पाएंगे। इसलिए तैरना सीखिए, तैरना शुरू कीजिए, आप पानी से डरना बंद हो जाएगा, आप नदी पार कर जाएंगे। आप सोचेंगे हमारी तबीयत ठीक हो जाए तब हम जो है स्वस्थ होने की कोशिश करेंगे, नहीं, स्वस्थ होने की कोशिश कीजिए, आपकी अस्वस्थता स्वयं दूर हो जाएंगे। मन और मस्तिष्क में आप सोचेंगे कि नकारात्मक विचार हमारे दूर हो जाएं तब हम सकारात्मक की ओर बढ़ेंगे, तो न आपकी नकारात्मक विचारें दूर होंगी न सकारात्मक विचार आ पाएंगे। इसलिए आपको नकारात्मक चीजों से लड़ना नहीं है, सिर्फ सकारात्मक चीजों को प्रवेश देना है। आप सोचेंगे किसी घर से किसी जगह से हम अंधकार को दूर कर दें और तब लाइट जलाएंगे, तो आप कभी लाइट जला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अंधकार को आप दूर नहीं कर पाएंगे। आप सिगरेट पीते हैं, आपको लगता है कि हम सिगरेट छोड़ दें, आप प्रयास करते रहते हैं। अनेकों लोग नशा व्यसन छोड़ने के लिए न जाने कई सारी संस्थाएं इस तरह की चलती है, छोड़ नहीं पाते हैं लोग, और छोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज से लड़ रहे हैं जिस चीज को उन्होंने बहुत बड़ी शक्ति दे डाली है। कोई सिगरेट 10 साल से पी रहा है, मतलब एक विचार उसने पैदा कर दिया है, उस विचार को इतना शक्ति दे दिया है कि इतना आसानी से तो नहीं छूटेगा, और न जाने वो कितने खर्च करते हैं और फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। सिगरेट शराब शबाब इस छोड़ नहीं पाते हैं, वासना ये सारी चीजें वो छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि उसको उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान कर दी है, दैट इज कॉल्ड सो कॉल्ड विचारों की शक्ति, थॉट्स ऑफ जो है थिंकिंग, ओवर थिंकिंग उन्होंने कर लिया है। अब जरूरी है कि हम पहले सकारात्मक चीजों को पकड़ें। आपको सिगरेट छोड़नी है ना, छोड़ने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। आप पीते रहें सिगरेट, जो भी नशा व्यसन करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में उतरने की कोशिश कीजिए, अपने मन और मस्तिष्क को ध्यान से जो है भर दीजिए। आप होश पूर्वक सिगरेट पीने लगिए, आप देखिए धीरे धीरे स्वयं सब कुछ छूट जाएगा। आप जो भी करते हैं होश पूर्वक कीजिए, ध्यान पूर्वक कीजिए। पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई, भोजन करते हैं ना, भोजन करते वक्त सिर्फ भोजन, आप चल रहे रास्ते पे सिर्फ चल रहे हैं। मन और मस्तिष्क को उन चीजों से मत भरिए, आप अनुभव कीजिए कि हम चल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो श्वास से तो आप मुक्ति पा नहीं सकते हैं, श्वास तो चल रहे हैं ऊपर नीचे, तो इन श्वासों पर आकर के टिक जाइए, नाभि के केंद्र पर आकर के टिक जाइए। लेकिन इन विचारों को मुक्त कीजिए। और कैसे मुक्त कर पाएंगे? जब आप जो है टिक जाएंगे। आप टिक गए कहां पर?
ज्ञान चक्षु पर आपका जो है मन और मस्तिष्क टिक गया तो मस्तिष्क में कोई विचार ही नहीं आएगा। आप जब भजन करने लगेंगे तो गजन कम हो जाएगा, परेशानियां स्वयं कम हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि हम सुखी हो जाएंगे, हमें इस लड़की से शादी हो जाएगी, हमें जो है ये नौकरी मिल जाएगा, ये पुत्र मिल जाएगा, ये महल बन जाएगा, जो है हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, तब हम भगवान का भजन करेंगे। तो आप जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे, ये कहीं लिख करके रख लीजिए। हाँ, भगवान का भजन करने लगिए तो ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। जिस व्यक्ति को आत्म पद की प्राप्ति हो जाएगी वो सारे पद प्राप्त कर लिया। ये संसारिक पद तो 2 साल 4 साल 5 साल के लिए होता है, अरे राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए बनता है कोई भी पद, और उसके बाद क्या। मैं सुबह टहलता हूं तो न जाने कितने आईएएस और जो है बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हमारे साथ टहलते हैं और सिर्फ अहंकार में जीवन जीते हैं, और कई लोग तो अपने आप को इतना वो कर लिए हैं कि सिर्फ जब बैठिएगा तो हमारे समय में ऐसा था वैसा था। अरे वर्तमान में जीवन जियो, आप क्या थे कोई नहीं पूछ रहा है। आप जब आईएएस रहे होंगे लोग सैल्यूट मारते होंगे, आज आपके अपने व्यवहार से कोई पूछेगा और आप अपने चिंतन से सुखी होंगे, न कि उन अतीत के जो है यादों से। अतीत की यादों को ही तो भूतकाल कहते हैं, अतीत सिर्फ अनुभव लेने के लिए है जिसको कि आप वर्तमान में उपयोग करके भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। लेकिन हम लोग कई बार अतीत में खो जाते हैं, इसी को भूतकाल कहते हैं, इसी को प्रेतात्मा कहते हैं। जब हम अपने भूतकाल के इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, कोई इच्छा हमारी पूरा नहीं हुई लेकिन हम उसको सोच सोच करके तिल का ताड़ बना दिए, बात का बतंगड़ बना दिए। आप अनेक परेशानियों को देखेंगे अपने जीवन में तो वह बात का बतंगड़ मन सोच सोच करके आप अपने आप को ही परेशान कर लिए, सोच सोच करके अपने आप को उद्विग्न कर लिए, मन को अशांत कर लिए। यदि आप ज्यादा ना सोचें तो बहुत सारे चीजों से आप बच जाएंगे। तो कई बार हम लोग को कोई कुछ बोल दिया, हम लोग उस बात को पकड़ लेते हैं और तिल का ताड़ बना देते हैं, और फिर कोई घटना दुर्घटना हो जाता है तो सोचते रहते हैं कि बिना मतलब का हमने जो है बोल दिया, बिना मतलब का हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग। और आज संसार में 90% बीमारियों का जड़ जो है सिर्फ ये ओवर थिंकिंग है। कभी तबीयत थोड़ी सी खराब क्या हुई कि हम ये दवा लाओ, तबीयत खराब लग रही है, ये हो रहा है, हम वो मानसिक बना लेते हैं, एक घेरा बना लेते हैं कि हमारा दिमाग जो है खराब हो रहा है, और खराब हो जाता है। हम किसी के बारे में सोच बैठा लेते हैं कि ये तो हमें पसंद नहीं करते हैं, अब वो हम सोच सोच करके जो है नापसंद बन जाते हैं, भले उनके जो है हम पसंदीदा भी रहे हों तो क्या हुआ। तो ये जो है अच्छे चीजों के लिए आपको तो प्रयास करना पड़ेगा, सकारात्मक विचार लाना पड़ेगा। नकारात्मक विचारों से लड़िए नहीं, उसको छोड़िए भी नहीं, सिर्फ सकारात्मक विचार मन और मस्तिष्क में लेते आइए। नकारात्मक विचार स्वयं ही जो है खत्म हो जाएंगे। आप सभी से प्यार प्रेम करने लगिए, घृणा स्वयं खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं ना, हमारे ऋषि मुनियों ने तो इस जो है कण कण में शंकर को देखा, इस पत्थर पहाड़ पानी जो है पेड़ पौधे सब में जो है देवत्व को देखा, तो ये दृष्टि थी उनकी। और यदि हम इस पत्थर में जो है इस कण में शंकर को देख सकते हैं, पहाड़ में देवता को देख सकते हैं, तो जीते जी इंसान के हृदय में हम भगवान नहीं देख सकते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान से बहुत प्यार करता है और इंसान से या किसी भी चीज से घृणा करता है, तो उसका वह भक्ति ढकोसला है। हाँ, कोई व्यक्ति भले मंदिर न जाए, भले ही पूजा पाठ न करे, लेकिन हर इंसान के लिए यदि उसके दिल में प्रेम है, प्यार है, तो वही उसके लिए सबसे बड़ी भक्ति है, वही उसके लिए सबसे बड़ी साधना है। सेवा ही सबसे बड़ा साधना है, और सेवा तब आप कर पाएंगे जब आपके जीवन में किसी के प्रति प्यार होगा, व्यवहार होगा आपका अच्छा। और ये प्यार कब होगा, जब आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि यह सारी सृष्टि ब्रह्मा की है, एक पत्थर पहाड़ पेड़ पौधे पानी या कोई इंसान जानवर, ये सब ब्रह्मा की जो है सृष्टि के जो है अवयव हैं। आप ये जब समझ पाएंगे तो सभी से प्यार कर पाएंगे, अन्यथा जो है आपके अंदर प्यार नहीं जगेगा, घृणा जगेगा। और आपको घृणा से दूर पाना है, आपको रिश्ते अच्छे बनाने हैं या किसी से भी, तो सबसे पहला चीज है कि आप सकारात्मक चीजों को सोचना शुरू कर दें।
हमारे इनसे अच्छे रिश्ते हैं, हमारा परिवार सबसे अच्छा है, हमारा समाज सबसे अच्छा है, सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। कई बार व्यक्ति जाता है मंदिर तो अपने आप को ही दीनहीन बना लेता है कि हे भगवान हम तो बहुत पापी हैं। वो पापी न रहते हुए भी पापी बन जाता है। आपको कहीं नहीं कहना है कि हम पापी हैं, हे ईश्वर हम आपके पुत्र हैं, हम विद्वान हैं, आपने मुझे जितना ज्ञान दिया है उस हिसाब से मैं आपकी पूजा प्रार्थना करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, संसार के साधन का उपयोग करके साधना करता हूँ। मैं दीनहीन नहीं हूँ क्योंकि मैं तो परमपिता परमात्मा का पुत्र हूँ। मैं गरीब भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ क्योंकि परमात्मा का पुत्र हूँ, इस जगत का मालिक जो है। तो ये विश्वास लाना पड़ेगा और ये एक दिन में तो नहीं आएगा, एक दिन में नहीं ये समझदारी आ जाएगी, न ही यह परमात्मा से प्यार उमड़ जाएगा। आप मंदिर में जा करके 2 की जगह 10 अगरबत्ती दिखा देते हैं तो उससे प्यार नहीं उमड़ता है भगवान की, वो तो प्रेम आपके अंदर, आपके हृदय में, आपके जीवन शैली में दिखना चाहिए। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही परमात्मा की पहली पहचान है कि आप चीजों को आत्मसात कर लेते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। और जो व्यक्ति चीजों को समझ पाया वो हर चीज में सुख खोज लेगा। जो स्वभाव में ही सुख खोज लिया, अंतरात्मा में खुद के अंदर सुख खोज लिया, उसको कोई दुखित नहीं कर सकता है। और जो ये सोच लिया कि हमें ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, तो सब मिल जाने के बाद भी, क्योंकि ये इच्छा है ना, मन है कि मानता नहीं, आज तक किसी का मन नहीं भरा। राजा महाराजा को देखिए, कितने महल, कितनी शादियां, कितने पुत्र, क्या क्या कर लिया, आज तक किसी का मन नहीं भरा। तो ये आकांक्षा, महत्वाकांक्षा से थोड़ा सा दूर होकर के, स्वयं में उतर करके, एकांत में थोड़ा सा 10 मिनट ध्यान के गहराई में उतर करके स्वयं को खोजने की प्रयास कीजिए। इस दुनिया को खोजने के जो है चक्कर में खुद कहीं खो तो नहीं गए? इस खो जाने का नाम ही है कि स्वयं में खो जाइए, स्वयं के सुख में खो जाइए। ये दुनिया तो दर्द दुख देने के लिए ही बनी हुई है। यदि आप दुनिया को पकड़ लिए, संसार में बसने के लिए आए हैं, फंसने के लिए नहीं आए हैं। यदि फंस गए तो आपके दुख और दर्द को कोई दूर नहीं कर सकता है। यदि बस कर गए, संसार में बसना है, हंसना है और फिर चलते बनना है। संसार में कौन सदा रहने के लिए आया है? क्षण दो क्षण के लिए, 2 साल 4 साल के लिए कोई पद की प्राप्ति होती है, उस पद में अहंकार, आलस्य, प्रमाद और न जाने कितनी बुराइयां आपके अंदर आ जाती है। इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि हमको कोई पद प्राप्त हो, कोई धन प्राप्त हो, कुछ भी प्राप्त हो, उसका अहंकार हमारे अंदर नहीं आए। सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, जीत उसके हाथों में, हार उसके हाथों में। और जितना है, जहां पे आप हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं। जो नहीं है, नहीं है उसका गम, जो है वो नहीं है कम। जो नहीं है, नहीं है उसका ख्वाब, जो है हमारे पास है वो लाजवाब। हरि ओम तत्सत। आइए एक सुखी जीवन की ओर हम अग्रसर हों। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।